बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लगातार पांचवें दिन समीक्षा बैठक करेंगे। समाज कल्याण विभाग समेत चार विभागों के मंत्री और अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे, जिसमें पांच साल के बजट और टारगेट पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। 1 अप्रैल से देसी शराब और मसालेदार देसी शराब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। वहीं विदेशी शराब सिर्फ नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र में ही बिकेगी। सरकार विदेशी शराब की बिक्री की भी मॉनिटरिंग करेगी। देसी मसालेदार शराब हो, उनकी दुकानें हो या कंपोजिट शराब बिक्री की दुकानें हो, वो कुल दुकानों की जितनी संख्या थी उसमें 90% की कमी आ जाएगी हम लोगों के इस निर्णय से। ससमय निर्णय लिया गया है ताकि इसको ठीक 1 अप्रैल से हम लोग प्रभावी ढंग से लागू करें और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करें। वहीं मध्य निषेध और उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा है कि 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब की बिक्री पर पूरी तौर से रोक लग जाएगी। बिहार में पूर्ण रूप से शराब का बंद हो जाना है, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से हम लोग लिए हैं। अभी इस फेज में हम लोग देसी शराब और देसी और वो जो मसालेदार शराब है और कुछ गली कोचे में भी शराब बनती है, हम इन सारे सेंटरों को बंद करने जा रहे हैं। इन सेंटरों पर जो शराब मिलती थी अब 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी। बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश के 7 निश्चय पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे निश्चय पर काम पहले से ही चल रहा है, उस पर और तेजी से काम होगा। साथ ही बिहार विकास मिशन की भी स्थापना होगी। जैसे कृषि रोड मैप के अंतर्गत, मानव विकास मिशन के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट मिशन का या औद्योगिक विकास का या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो सारे काम जारी रहेंगे। इसलिए अब कुल मिलाकर के जितने हमारे कार्यक्रम हैं, इनको ठीक ढंग से लागू कराने के लिए और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, सब कुछ को देखने के लिए एक बिहार विकास मिशन की भी स्थापना की गई। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के काम की समीक्षा की। सीएम 29 दिसंबर तक सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। एसटीईटी परीक्षा में नाकाम शिक्षकों को अब मौका नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि आखिर कितनी बार इन्हें मौका दिया जाए। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कितना समय तक इनको समय दिया जा सकता है, कितनी बार तक परीक्षा देने का, क्योंकि 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 टीचर जो नहीं पास कर पा रहे हैं, उनके चलते 1 करोड़ प्रदेश के भविष्य का तो हम उनके हाथ में नहीं दे सकते हैं, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी नहीं पास कर सकते हैं। 1-2 बार फेल कर चुके हैं, करीब करीब तीसरी बार एक हम लोग मौका दे रहे हैं। अब आखिर फॉर हाउ लॉन्ग, एक निर्णय होना चाहिए इस पे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि परीक्षा में अब नकल पर नकेल कसी जाएगी। नकल रोकने को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और नकल होने पर जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे। अरे फिक्स नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता है, तो उस पर जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। हम लोगों ने बनाया है और साथ साथ कैसे हम कोर्स कंप्लीट कराएं। भाई आप एक तरफ कदाचार रोक रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, तो दोनों को साथ साथ लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ें। हायर एजुकेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ने बनाया है पूरा। शिक्षा सचिव डीएस गंगवार ने कहा है कि विद्यार्थियों को शिक्षा क्रेडिट कार्ड देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा कदाचार मुक्त तरीके से कराई जाए, जिसके लिए सुदृढ़ प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि बिहार राज्य देश में साक्षरता के दर में टॉप 5 राज्यों में पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव की तैयारी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मुलाकात की। दोनों ने आयोजन की सफलता को लेकर चर्चा की। तैयारियों के मद्देनजर जरूरत पर भी बातचीत हुई। क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से यहाँ वहां तक पहुँचने के रास्तों के बारे में, चूंकि लोग बड़ी संख्या में आएंगे, लाखों की संख्या में।
पटना के जेडीयू दफ्तर में छात्र समागम, जिलाध्यक्षों और यूनिवर्सिटी अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव कराने और 1,00,000 छात्रों को सदस्य बनाने पर चर्चा हुई। पटना पुलिस ने डीआईजी का करीबी बताकर धौंस जमाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने के बाद दोनों युवक खुद को डीआईजी का करीबी बताकर एसपी डीएसपी को धौंस दिखाने लगे। दोनों युवक बिना हेलमेट के थे और उनके वाहन पर एंटी करप्शन लिखा था। पटना पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपहरणकर्ता गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल गाजियाबाद का रहने वाला कौशल किशोर पिछले 2 महीने से लापता है। कौशल के पिता ने पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। हम लोग कई जगह पे छापामारी कर चुके हैं, कोलकाता से इसको ट्रांजिट रिमांड पे लाए हैं और इसमें मुख्य बात यह है कि ये बहुत बड़ा अपहरणकर्ता है, कुख्यात अपराधी है, जो मर्डर और अपहरण केसेस में किडनैपिंग फॉर रैंसम में वांटेड था। नेशनल गैंग चलाता है जो अपहरण का है, कई जगह से किडनैपिंग कर चुका है। अब इसके पकड़े जाने से हम लोग इसको रिमांड पर लेंगे और कई खुलासे होने की उम्मीद है। और जो मुख्यात था, जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था उसके इसके द्वारा बताया जा रहा है जिस व्यक्ति के बारे में वो फरार हो चुका है। कौशल के पिता से अपहरणकर्ताओं ने 25,00,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। रंगदारी की रकम कौशल के फोन से मांगी गई थी, जिसका लोकेशन कोलकाता में ट्रेस किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब कौशल की तलाश में जुटी है। वैशाली जिले में एक मामूली विवाद में टेम्पो चालक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लोदीपुर में कार और टेम्पो के बीच मामूली टक्कर हुई थी, जिसके बाद कार सवार लोगों ने टेम्पो चालक की पीट पीट कर हत्या कर दी। विवाद में हुई फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। बेगूसराय में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीरा टूला की है। घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। जमुई में विवेका यादव की बम मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक विवेका यादव कुख्यात अपराधी था और उस पर पहले से कई मामले चल रहे थे। पहले से ही घात लगाए बैठे 5-6 अपराधियों ने हमला किया। विवेका पर 5 बार बम फेंके गए। पटना सिटी में 5वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना माल सलामी थाने की है। बताया जाता है कि छात्रा पड़ोस में रहने वाले बिरजू ठाकुर के घर जलावन लाने गई थी। पीड़ित छात्रा ने अपनी मां को सारी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज करा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और छात्रा को मेडिकल जांच के लिए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल भेज दिया है। हालांकि आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया है। दानापुर में लाखों रुपए की महंगी दवाई नाले में फेंकी मिली। ये दवाएं पेनकिलर और मल्टीविटामिन की हैं। कहा जा रहा है कि नकली दवा को लेकर ड्रग विभाग की लगातार छापेमारी के डर से दवा दुकानदारों में हड़कंप मचा है। पटना के नौबरपुर प्रखंड के उचौरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई ठप है। यहाँ स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है और क्लासरूम में ताले लटके रहते हैं। आंगनबाड़ी सेविका के मुताबिक यहाँ 1 से 5वीं क्लास के लिए सिर्फ 1 शिक्षक पदस्थापित है, जो कभी कभार आते हैं। समस्तीपुर में परिवहन विभाग में दलालों के बोलबाल की शिकायत पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने 5 दुकानों में छापेमारी की, जिसमें परिवहन विभाग से संबंधित भारी मात्रा में चालान, ड्राइविंग लाइसेंस, कई दस्तावेज और फॉर्म के साथ साथ पैसा भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इन दुकानों से एक अवैध डीटीओ ऑफिस भी चलाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, साथ ही परिवहन कार्यालय के कर्मियों से पूछताछ भी की गई। पटना में चेंबर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी को सम्मानित किया गया, साथ ही प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा के मैथिली साहित्यकार प्रोफेसर मनमोहन झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मैथिली कथा संग्रह खिलका के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। दिल्ली में पुरस्कार की घोषणा के बाद दरभंगा में खुशी का माहौल है। छपरा में लोक कवि, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की 108वीं जयंती पर स्थानीय कलाकारों ने विदेशिया नाटक की प्रस्तुति दी। इस नाटक प्रस्तुति को देख दर्शक भाव विभोर हो गए।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में एनआरएचएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला उठा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 6 विधेयकों को पारित किया गया। विपक्ष ने झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2015 को प्रवृत्त समिति को भेजे जाने की बात कही है, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि कारखाना विधेयक गरीब और मजदूर विरोधी विधेयक है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में शराबबंदी का मामला उठाया। राधाकृष्ण किशोर ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी खजाना भरने के लिए लोगों के स्वास्थ्य से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। झारखंड विधानसभा में एनआरएचएम लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्टों के पदों पर नियुक्ति का मामला उठा। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि पदों के सृजन का काम चल रहा है और एनआरएचएम कर्मियों को नई नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के संशोधन पर भी सरकार विचार कर रही है। झारखंड विधानसभा में जेपीएससी का मामला गूंजा। विपक्ष में परीक्षा में नकल को लेकर तमाम परीक्षाओं की जांच की मांग की। जेपीएससी पर विपक्ष के सवाल पर सरकार ने कहा कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने राज्य में तेजी से पांव पसार रही नॉन बैंकिंग कंपनियों का मामला सदन में उठाया। उन्होंने सरकार से जल्द नॉन बैंकिंग कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड विधानसभा में हेल्थ टेंडर में घालमेल पर बीजेपी विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा। विधायक अनंत ओझा ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में अनियमितता का मामला उठाया, तो विधायक राधाकृष्ण किशोर ने टेंडर में अनियमितता का मसला उठाया। रांची में ओपन स्पेस की जमीन को बेचे जाने के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। हरमू कॉलोनी के लोगों ने रांची आवास बोर्ड के खिलाफ कार्तिक उराव चौक पर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने कार्तिक उराव चौक के पास 2200 वर्ग फीट ओपन स्पेस की जमीन को कट प्लॉट कहकर बेच दिया है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। स्थानीय वार्ड पार्षद के मुताबिक आवास बोर्ड से लेकर मंत्री तक इस मामले की जानकारी पहुंचा दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड है, आवास बोर्ड इतनी बड़ी कॉलोनी मास्टर प्लान के तहत बसाई गई है। घर के सामने जो ओपन स्पेस होता है, रोड का जमीन होता है, वो एक व्यक्ति के द्वारा 1200-1300 स्क्वायर फीट का उनका अपना प्लॉट है, वो खरीदे हैं, और उसके सामने 2200 स्क्वायर फीट का जमीन जो है वो रोड का जमीन बेच दिए है। उसी चीज़ का विरोध हो रहा है कि जो सार्वजनिक जनहित का जो उपयोगी जमीन है, चौक चौराहा सुंदरीकरण का मामला है, उस जमीन को भी ये लोग गोरख धंधा करके बेच दे रहे हैं, जिससे आम जन बहुत प्रभावित हो रहा है। धनबाद के निरसा के एसीएल लक्ष्मी माता के पास कच्चे सड़क पर हुए भूधसान के कारण स्थिति खराब हो गई। एक पानी का टैंकर भी सड़क पर ही फंस गया और ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। बाद में टैंकर को किसी तरह से निकाला जा सका। भूधसान के कारण कोलियरी के पास के ग्रामीणों में काफी दहशत फैल गई। इसको लेकर ग्रामीणों ने लक्ष्मी माता कोलियरी कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। देवघर टाउन थाना के टावर चौक पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि हेलमेट चेकिंग के नाम पर देवघर पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है। मंचले की छड़खानी से परेशान होकर स्कूल छोड़ने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार आरोपी अर्शद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि वो लड़की से प्रेम करता है और लड़की उसे झूठे केस में फंसा रही है। लड़का ने कहा है कि सिर्फ ये एक तरफा नहीं था, उन्होंने कहा है कि लड़की का भी जो प्रेम पत्र है उनके पास है, और उनका मैसेज लड़की का और मोबाइल वगैरह फोन, ये सब लड़के का कहना है। हम लोग जांच कर रहे हैं, उसको देखते हैं क्या करते हैं।
पाकुड़ पुलिस ने मवेशी व्यापारियों से हुए लूटकांड का खुलासा किया है। एसपी अजय लिंडा के मुताबिक इस लूटकांड में शामिल सभी चार आरोपी चेन्नई पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र हैं। आरोपियों से दो कट्टा समेत मोबाइल और कैश बरामद हुए हैं। के साथ में मारपीट और लूटपाट की घटना हुई थी और उस कांड का उद्भेदन हुआ है। दो देसी कट्टा हमने रिकवर किया है, उसके साथ में जो लूटी गई मोबाइल थी वो रिकवर हुई है और दो दाव रिकवर हुआ है साथ में और छह मोबाइल्स भी रिकवर हुए। पाकुड़ के हिरनपुर थाना इलाके में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में से एक पारा शिक्षक और एक बैंक कर्मी भी शामिल है। गुमला के सोसो गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव उनके घर से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त करीब आधा दर्जन बदमाशों ने घर में धावा बोला और दोनों की हत्या कर दी। हत्या से पहले बदमाशों ने मारपीट भी की थी। जमशेदपुर में मुफ्त में शराब नहीं देने पर अपराधियों ने फायरिंग की जिसमें 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के साथ सोया 9 साल का भाई भी जख्मी हो गया। घटना परसुडी थाना इलाके के लट्टूगोड़ा गांव की है। मुफ्त में शराब नहीं देने पर गांव के दो दबंगों ने फायरिंग की थी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। ऊटी के किसान टमाटर के बंपर पैदावार से परेशान है। हालत ये है कि बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं और मायूस किसान रोड पर टमाटर फेंकने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जिस दिन मंडी में ज्यादा टमाटर आ जाता है उस दिन सभी व्यापारी एकजुट होकर अपनी मर्जी से औने पौने भाव में किसानों को टमाटर बेचने पर मजबूर करते हैं। ऐसे में किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है और उनके बीच मायूसी का माहौल है। सस्ता दाम पर लेता है मनमानी ढंग से और छांटता है तो उसको यहाँ ला के डाल देते हैं। और हमारे यहाँ जो उलीडी में पॉलिस्टर बना है आज तक वो बंद पड़ा है। पॉलिस्टर में अगर रखते तो ये माल फेंकने योग्य नहीं होता। बोकारो में पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। 9 प्रखंडों के कुल 75 प्रखंडों में पंचायतों की किस्मत का फैसला होना है। बोकारो में 4 मतगणना केंद्र पर मतगणना का काम चल रहा है जिसके लिए 745 चुनाव कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोडरमा में मरकच्चो डाक बंगला से पेड़ों की कटाई के मामले में नया मोड़ सामने आया है। विधानसभा से जांच करने पहुंची टीम के सामने कई गवाहों ने अपने बयान बदल दिए तो कई गवाह बयान दर्ज करने से ही मुकर गए। इस मामले में अहम गवाह है कैलाश नाथ पांडे, जहां बिना किसी सूचना के लापता थे। वहीं चौकीदार सुबोध यादव भी अपने लिखित बयान से पलट गए। सारी चीजें तो देखी हैं, सारी चीजें देखी हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। जो भी चीजें इन लोगों के बयान लिए हमने, वहां पर वस्तु स्थिति देखी, घटनास्थल पर गए, आराम में गए, जांच की प्रक्रिया है उसके तहत जांच की गई। जो लोग थे वहां पर उनके बयान लिए गए हैं और जो जो लोग की पर्सन थे उन लोगों को हमने बुलाया था। जमशेदपुर में लगातार 3 दिनों से हो रही हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है और लोग सड़कों पर रहने को जो मजबूर हैं उनके पास अलाव के कोई इंतजाम नहीं है जिसके कारण उनको परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन की तरफ से अब तक गरीबों को न तो कंबल ही बांटे गए और न ही अलाव के इंतजाम किए गए हैं। रिक्शा चलाने वाले, खूमचे वाले और तमाम लोगों की परेशानी इस ठंड में बढ़ गई है। नेशनल हेराल्ड इशू में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को कोर्ट के बाहर प्रदर्शन न करने को कहा है। दिल्ली के निर्भया रेप केस में दोषी नाबालिग 20 दिसंबर से पहले रिहा हो जाएगा। नाबालिग के रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में निर्भया की मां और पिता ने भी नाबालिग की रिहाई का विरोध किया था। उनका कहना है कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।
अलकायदा के एक और आतंकी को उत्तर प्रदेश के संभल से गिरफ्तार किया गया है। जफर मसूद सेल्स टैक्स विभाग में बतौर कॉन्ट्रैक्टर काम करता था, साथ ही वो अलकायदा के लिए भारत में हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने का भी काम करता था। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज होगा। 12 जनवरी को शुरू हो रहे इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। बताया जा रहा है कि चयनकर्ता आईसीसी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखकर टीम का चयन करेंगे। गरीबों के जीवन में सेवा में पूरा जीवन समर्पित करने वाली शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा को अगले वर्ष सितंबर में रोमन कैथोलिक चर्च के संत की उपाधि से नवाजा जाएगा। वेटिकन ने यह जानकारी दी है।